प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। कुछ खबरें लेकर आया हूं। अक्सर कमेंट में कहा जाता है कि मैं डराया करता हूं, लेकिन मैं डराया नहीं करता हूं, मैं जो सच है वो बताया करता हूं। मैंने बार बार कहा है कि अगर हम लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स और बड़ी हो सकती है। जब मैं ये खबर दिया हूँ तब मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे काफ़ी मैसेज आए हैं कि मैं डराया करता हूँ। साहब, आपको डरा के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, जो सत्य है उसको स्वीकारना सीखिए। अगर हम लोग इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बताता चलूँ कि एक दिन नीचे आंकड़ा जाने के बाद महाराष्ट्र भर में आंकड़ा बढ़ चुका है, देश में आंकड़ा बढ़ चुका है और कोरोना के लिए फिर से एक नई समस्याएं तैयार हो गई है। कोरोना बढ़ सकता है, इस बारे में प्रधानमंत्री को भी चिंता है, इस बारे में मुख्यमंत्री को भी चिंता है और सभी लोग ये मना रहे हैं कि अब ये कोरोना जो है वो वापस नहीं बढ़े। लेकिन ये तभी रुक सकता है जब वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, और वैक्सीनेशन पूरा होने के साथ साथ हम लोग कुछ दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं। काफ़ी जगह पर आप देखेंगे कि मास्क लगाए बगैर लोग घूम रहे हैं, देश भर में ये हालात है। जलगांव में भी इससे कोई अलग हालात नहीं है, जलगांव शहर में भी यही है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ तक कि बहुत सी जगह जहाँ घूमने के लिए की प्लेसेस है, हिल स्टेशन है, वहाँ पर लोग गए हैं, वो लोग वहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, किसी भी तरीके का डर भय नहीं है उनको। ध्यान रखिए, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरियंट पहले ही परेशानी खड़ी कर चुका है, कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। इसी के साथ साथ कर्नाटक में एक नया वायरस भी आया है, उस वायरस के बारे में अभी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिली, लेकिन ऐसा पता चला है कि उसे जीका वायरस कहते हैं और जीका वायरस जो है वो गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है। उसका कोई इलाज नहीं है, जिस तरीके से कोरोना का कोई इलाज नहीं था, इस तरीके से जीका वायरस का भी कोई इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है और वो गर्भवती महिलाओं को अटैक करता है। बुखार आना, सर दर्द होना, आंखें लाल होना, ये सब उनकी पहचान है और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है और तुरंत ख़त्म कर देता है वो उसको। कोरोना में तो भी थोड़ा समय मिलता है, जीका वायरस में कहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने में भी परहेज कीजिए। जहां आप ख़रीदने जाते हैं सामान, वहां पे देखिए कि ग्लव्स उन लोगों ने पहना है या नहीं, मास्क लगाया है या नहीं, आपको किसी खाली हाथ से छू के तो कुछ नहीं दे रहा है। मतलब अपनी सावधानियाँ रखिए आप लोग, तभी सब कुछ बदल पाएगा, वरना कोरोना बढ़ रहा है। जय हिंद।